कथा है हमारी, अरे इस तरफ पहुंचो भाई। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। जब तक मन में भेदभाव निवास करेगा, कैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर विश्वास करेगा। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में तो लड़ मरे, भरम न को जान। लड़ रहे हैं लोग पूछ पूछ के जान, लड़ रहे हैं लोग पूछ पूछ के जान, राम रहीम हैरान है, नाजुक है हालात। घमंड मत करे इंसान अपने खान पर और जात पर, सब धरा का धरा रह जाएगा जब तू पहुंचेगा शमशान घाट पर। निडर पराक्रमी भारत में आरक्षण के जनक, पीड़ित दलित और वंचित वर्ग के मसीहा, एक वीर सामाजिक योद्धा, आखिर कौन थे ये? कौन थे ये जिनके अभूतपूर्व व्यक्तित्व को मैं चाहूं भी तो भी अपने चंद शब्दों में पिरो नहीं सकती। 26 जून 1874 भारतवर्ष का एक ऐसा कालखंड जहां पर भारत के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य की भांति महाराष्ट्र में भी छुआछूत, जात पात, नीच ऊंची नीची जातियां और भेदभाव जैसी गंदी और काली मानसिकता का साया मंडरा रहा था। अब ऐसे में आविर्भाव हुआ एक वीर बालक यशवंत राव का, जिन्हें आज हम सभी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे माननीय अतिथि महोदय ने बताया, एक वक्तव्य आता है कि कोल्हापुर के महाप्रतापी राजा श्री छत्रपति साहू जी महाराज की आर्थिक मदद पाकर उनके एक दलित सेवक, कामले नाम था उनका, कामले ने चाय की दुकान खोली। अब महाराजा ने स्वयं जाकर वहां पर चाय पीने का निर्णय लिया और वह गए भी, लेकिन पुरानी शताब्दी के पिछले वर्षों के लिए यह कोई मामूली बात तो थी नहीं कि एक राजा किसी दलित के घर का खाए या पिए। तो महाराजा वहां गए, उन्होंने चाय पी, उन्होंने कामले से एक सवाल किया, कामले तुमने दुकान के बाहर बोर्ड पर अपना नाम क्यों नहीं लिखा। इस पर कामले का जवाब आया, सरकार दुकान के बाहर अपनी जाति और अपना नाम लिखना जरूरी तो नहीं। सरकार ने हंसते हुए चुटकी ली और कहा, कामले ऐसा लगता है मानो तुमने पूरे शहर का धर्म नष्ट कर दिया।
तूने इंसान तो बनाया पर वर्गों में क्यों बांटा? बिलीफ एक जिंदगी में चुप
पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अफसोस नहीं कि ऊपर सिर पर कनक छत्र, ऊपर सिर पर कनक छत्र, पर भीतर से काले के काले, अरे शर्माते क्यों नहीं जगत में जाति पूछने वाले। गर्हजन के छू लेने से मंदिर का है कल्याण नहीं, तो मंदिर में सब पत्थर है, भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, अरे सारे 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 संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। हम लोगों ने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, इस मोहल्ले से नीची जात वालों की बरात कहीं निकले जाओ, तुम लोग बाजे बाजे के साथ आ गए। हाँ तो क्या कर लोगे, क्या कर लेंगे, अरे बताओ ना कि क्या कर सकते हैं हम लोग। क्या दो साहब, क्या छोटी जात वाले हैं इसलिए अपनी मूछों पे ताव नहीं दे सकते, अपनी बारात उनके दरवाजे से नहीं निकाल सकते। इस तरह से नाटक सामाजिक प्रेरणा का एक केंद्र बिंदु होता है, तो धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने एक अच्छा प्रस्तुतिकरण किया। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर के विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक सर महामहिम राज्यपाल जी का आभार व्यक्त करें। आज के कार्यक्रम में आए हमारी मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का मैं हृदय से पूरे विश्वविद्यालय के परिवार से आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ, और उनके बताए हुए सभी कार्यक्रमों को आप सब लोगों ने सुना, उनकी जो वेदनाएं हम लोगों ने साहू जी महाराज के साथ को काम